ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕੰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਦ IG ਬਾਰਡਰ, SSPs, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ SSPs, IG ਬਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੋ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਤੇ देखिए ऐसा है कि स्लीपर सेल्स के बारे में पता लग रहा है, इसीलिए हमने इतने लोग पकड़े हैं। ये मान सिंह शेर सिंह वाला जो मॉड्यूल हमने मेरे होते हुए, मैं तब DG इंटेलिजेंस था, IDG इंटेलिजेंस था, तो उस समय हमने पकड़ा था ये 2017 में, वो अभी जेल में है। सो ये करीब हम लोग अभी तक शायद 137 या कुछ इतने लोग पकड़ चुके हैं अभी तक, जो डिफरेंट मॉड्यूल्स के करीब 28 मॉड्यूल पकड़े गए हैं पिछले, मैं 2.5 साल की बात कर रहा हूँ। तो ये सब स्लीपर सेल ही हैं, जो अभी पीछे जो ब्लास्ट हुआ तरन तारण में हुआ, जिसमें करीब 8-9 लोग पकड़े गए अब तक, तो वो लोग भी नए लोग थे जो पहले कुछ धंधों में नहीं थे। ये जो आकाशदीप है, दूसरे लोग हैं, ये तो ये सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, ये पुलिस के काम की वजह से ही पकड़े जा रहे हैं। सर, पापा बलवंत सिंह को तो जेलों में कुछ खास योजना है कि उनको सेपरेट किया जाए, जैसे मोबाइल पे भी आ रहा है, मोबाइल अभी भी गैंगस्टर जो है जेल के अंदर से कॉल कर रहे हैं, इतना ही फेसबुक पे अपडेट हो रहा है, वीडियो कॉल, तो उसको रोकने के लिए क्योंकि पिछले DG साहब ने भी कहा था कि उस पर कुछ जैमर्स लगाए जाएंगे, अभी तक वो जैमर्स कब तक इंस्टॉल होंगे? देखिए, इसके बारे में काफ़ी काम किया है, पिछले DG साहब ने भी किया, मतलब सरकार ने इस पे काम करना है। हमें इस इश्यूज जो आपने जिक्र किया, वो इश्यूज हैं, ये भी ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जहां गैंगस्टर्स ने कुछ अपलोड किया, वैसी चीज़ कम हुई है। गैंगस्टरिज्म भी पंजाब में कम हुआ है, आपके सामने ही है, पिछले 2-2.5 साल में हमारे कुछ 2-4 लोग बचे हैं, मतलब, और काफ़ी सारों पे काफ़ी हद तक काबू पाया गया है। जेल्स में इश्यूज हैं, उनकी जो उनको सेग्रीगेट करने का, कुछ लॉ में इश्यूज हैं, कुछ उसमें चेंजेस जो रेगुलेशंस हैं उसमें, ये पॉइंट लिया गया था हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जब मिले थे, यूनियन होम मिनिस्टर साहब को, उनसे भी ये पॉइंट वगैरह लिया गया था, हम जेल्स को मॉडर्नाइज करने के लिए वो क्वेश्चन जाए। अभी कभी आए दिन ये खबरें आती, ओवरडोज से लोगों की मौत हो गई, कारण क्या है कि पूरी पिकअप नहीं हो पका? देखिए, ऐसा है कि ये सवाल पहले भी उठा, इस पर पुलिस ने बहुत काम किया है पिछले 2-2.5 साल में, भी करीब 28,000 FIR हुई, 33,000 लोग पकड़े गए, सप्लाई रिडक्शन में काफ़ी काम हुआ है, और उसमें नए लोग शायद इस हैबिट में, ड्रग ट्रैप में कम फंस रहे हैं, ऐसा मतलब ऐसी इंडिकेशंस भी हैं। सो लॉट ऑफ एफर्ट हैज़ गॉन इनटू इट, और भी इस पे काम चल रहा है। हम लोग स्ट्रेटजीज, मैं पीछे भी आया था करीब एक हफ्ते पहले, जब DG नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो आए थे, हमने सारे IGs, DIGs यहाँ बुलाए थे, हमारी STF, हमारे हर ज़िले के लोग, अभी SSP साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने करीब पहले 14 किलो हेरोइन पकड़ी, फिर दूसरा 7.5 पकड़ी, उसके बाद फिर पकड़ी करीब 22.5 किलो हेरोइन इन्होंने पकड़ी। सो हर ज़िले में, तरन तारण में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, अमृतसर रूरल में काम अच्छा हो रहा है, फिरोजपुर, फाजिलका, पठानकोट, सभी जगह हम लोग लगे हुए हैं, मतलब मिलजुल के एज पंजाब पुलिस एक टीम की तरह काम कर रही है, एंड वी आर वेरी, हमें इसका बहुत बड़ा कंसर्न है, एक जो ड्रग प्रॉब्लम है, सरकार, चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी पूरी सपोर्ट है, हम लोग लग के इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अमृतसर तो धर्मवीर गिल दी स्पेशल रिपोर्ट के नाल, ब्यूरो रिपोर्ट द TV NRI।